हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 15 ऐसे फ्रूटिंग वाले प्लांट के बारे में जिनको आप अपने पॉट में ग्रोइंग बैग्स में उगा करके जो है उनसे फ्रूटिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस नहीं अवेलेबल है, ग्राउंड में स्पेस नहीं अवेलेबल है कि जहाँ पे आप ग्राउंड में वो प्लांट लगा सके, तो अपने टेरेस पे या फिर अगर आपने आपके पास लॉन में जगह है जहाँ पे आप पॉट रख सकते हैं, वहाँ पे आप इन प्लांट को लगा सकते हैं और उनसे थोड़ी बहुत फ्रूटिंग भी आपको मिले। ये नहीं कि ऐसा आपने प्लांट लगा जैसे दिखाने के लिए प्लांट नहीं होने चाहिए, वो उनसे आपको फ्रूटिंग भी मिलनी चाहिए। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनसे आपको फ्रूटिंग मिल जाए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं पॉट के साइज की। तो 12 इंच से छोटे पॉट आपको नहीं लेने हैं, 12 इंच से ऊपर के ही पॉट लेने हैं, क्योंकि प्लांट आपके फ्रूटिंग वाले प्लांट 12 इंच से अगर आप छोटे पॉट लेंगे तो उसमें थोड़ा सा फ्रूटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्लांट को आप लगा सकते हैं, और इस लिस्ट में मैं सबसे पहले नंबर पे जो रख रहा हूँ वो है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट। और सबसे पहले नंबर पे रखने की कुछ वजह है। सबसे पहली वजह है तो ये है कि ये प्लांट बहुत ही इजी टू केयर है और बहुत ही आसानी के साथ इसमें फ्रूटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बस आपको करना ये है कि ड्रैगन फ्रूट अगर किसी के पास आपको मिल जाता है, नर्सरी से पता कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप फेसबुक वगैरह पे ट्राई कर लें, वहां पे आप ड्रैगन फ्रूट की कटिंग ले लें, आप कटिंग या प्लांट जो भी मिल सके आपको, या फिर अगर आपके शॉपिंग मॉल्स में कहीं आसपास ड्रैगन फ्रूट मिल जाता है तो उसके सीड्स भी आप ग्रो कर सकते हैं कैक्टस की तरह। ये एक तरह का कैक्टस का प्लांट है, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। एक ख्याल आपको ये रखना है कि जब भी आप इनको ग्रो करें तो किसी दीवार के पास में लगाएं इनको। ये दीवार में चिपक करके ऊपर बढ़ते जाएंगे, दीवार में या फिर कोई आपके पास बड़ा पेड़ है तो उस बड़े पेड़ के पास लगा दें, इनको पेड़ से सहारा मिल जाएगा। इनकी रूट्स जो है वो दीवार से या फिर पेड़ की टहनियों से चिपकती हुई ऊपर निकाल देंगी प्लांट को और उसमें अच्छे से फ्रूटिंग होगी। आपको करना ये है कि टाइम टू टाइम आपको उनकी रूट्स पे पानी का स्प्रे कर दें जिससे वहां से भी वो खुराक ले सके और आपको अच्छी और एग्जॉटिक फ्रूटिंग आपको मिल जाएगी। बहुत ही आसान प्लांट है और बहुत ही महंगे इनकी फ्रूट आते हैं। बहुत से लोगों को शायद ना पता हो ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, 100 से 200 रुपए के इनके एक फ्रूट आते हैं। तो इनको बड़े आराम से अपने गार्डन में आप उगा सकते हैं। आप अंगूर के प्लांट को भी आप बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं, इनकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो अगर आपको इनकी कहीं से कटिंग भी मिल जाती है तो लगभग आप 2-3 लीफ नोड वाली कटिंग ले लें, उससे आप लगा दें, बहुत ही आसानी से लग जाएगा ये प्लांट। और बस आपको थोड़ा सा कहीं सहारा देना पड़ेगा जहाँ पे ये चढ़ के अपनी फ्रूटिंग कर सके और लगभग 1 से 1.5 साल में ये फ्रूटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो आप अपनी नजदीकी नर्सरी से या फिर अगर किसी फ्रेंड के पास से इनकी कटिंग मिल सके तो उसको आप लगा करके अंगूर को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अनार के प्लांट को भी अपने गार्डन में आप ग्रोइंग बैग्स में ग्रो कर सकते हैं। अनार के जो एयर लेयरिंग वाले प्लांट आते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा या फिर डिस्प्ले में मेंशन कर दे रहा हूं मैं, यहां से आप कांटेक्ट करके अनार के प्लांट परचेज कर सकते हैं। और भगवा वैरायटी के ये प्लांट सेल करते हैं और 20 रुपए में इनका एक प्लांट आता है, लेकिन शायद आपको 4 से 5 प्लांट लेने पड़ जाए इनके पास से। और मैंने इनके पास से प्लांट पहले भी परचेज किए हुए थे और मैंने उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो यहाँ से आप प्लांट जो है एयर लेयरिंग वाले प्लांट आप परचेज कर सकते हैं। और एयर लेयरिंग वाले प्लांट में खास बात यह होती है फ्रूटिंग बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लगभग 10 से 12 इंच के ग्रोइंग बैग्स में या फिर पॉट में इनको लगा लें और अपने गार्डन में इनको भी ऐड कर सकते हैं। स्टार फ्रूट या फिर कुछ लोग इसे अमरख नाम से भी जानते हैं, इसके प्लांट को भी आप पॉट में उगा सकते हैं और इनकी फ्रूटिंग आप ले सकते हैं। तो इसके एयर लेयरिंग के प्लांट आपको आपकी लोकल नर्सरी में बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। और जैसा कि इसका नाम होता है स्टार फ्रूट, क्योंकि इसके जो स्लाइसेस कट करते हैं आप, तो स्लाइसेस कट करने के बाद देखने में एक स्टार की तरह लगता है और इसके थोड़े से खाने में टेस्ट जो था खट्टा और मीठा स्वाद आता है जब पकने के बाद। तो इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और देखने में काफी ये प्लांट अच्छा लगता है, जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो देखने में काफी अट्रैक्टिव होती है। तो इसको अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। चीकू के प्लांट को भी आप ग्रोइंग बैग्स में पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास खुद मेरा प्लांट जो है वो ग्रोइंग बैग में, और ग्रोइंग बैग में ही इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस प्लांट को नर्सरी से परचेज करते वक्त आप ये बात का ख्याल रखें कि प्लांट ग्राफ्टेड हो। सीड ग्रोन प्लांट में आपको फ्रूटिंग पॉट में नहीं देखने को मिलेगी। टेस्ट में काफी मीठा होता है ये, तो इसको भी अपने गार्डन में आप ऐड करके इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अमरूद के ग्राफ्टेड या फिर एयर लेयरिंग वाले प्लांट को भी आप परचेज कर सकते हैं। सीड ग्रोन प्लांट इनके भी परचेज नहीं करने, बड़े आराम से आपको आपकी लोकल नर्सरी में इसके प्लांट मिल जाएंगे। कोशिश ये करिए क्योंकि एक मिनिएचर वैरायटी आती है जिसे नर्सरी वाले अक्सर चाइना अमरूद करके बोल बेच देते हैं, तो मिनिएचर वैरायटी जो आती है वो वैरायटी अगर आप लगाते हैं तो ज्यादा फ्रूटिंग और कम केयर में आपको ज्यादा फ्रूटिंग देखने को मिलेगा। प्लस थोड़ा सा बोनसाई वाला लुक भी आता है उसमें और काफी अच्छा देखने में लगता है, और टेस्ट भी उसका काफी अच्छा, मेरा फेवरेट जो है वही है, तो टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो उसको आप परचेज करके जो है अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आजकल तो उनकी काफी अच्छी अच्छी वैरायटियां अमरूदों की आ गई हैं, ब्लैक पत्तों में या फिर वेरीगेटेड। इसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती हैं। अगर आपको वेरीगेटेड प्लांट मिल जाता है तो और ही अच्छी बात है, वो प्लांट आपका फ्रूटिंग वाले प्लांट के साथ साथ ऑर्नामेंटल प्लांट्स प्लांट की तरह भी आप उसको अपने गार्डन में आप लगा सकते हैं।
साइट्रस फैमिली के बिलोंग करने वाले प्लांट्स को भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, चाहे वो नींबू हो चाहे वो मौसम्बी हो, उनके प्लांट को आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ भी आपको ख्याल रखना है, सीड ग्रोन प्लांट जो कि आप खुद ग्रो किए हुए हैं उसे कतई मत लगाइएगा, उसमें फ्रूटिंग आपको पॉट में नहीं देखने को मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो 10 से 12 साल के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्राउंड में भी ये प्लांट लगभग 3 से 4 साल फ्रूटिंग में ले लेते हैं, तो पॉट में तो आप इनकी फ्रूटिंग एक दो साल में भूल जाइए। हमेशा आप ग्राफ्टेड प्लांट, एयर लेयरिंग वाले प्लांट या फिर कटिंग वाले, कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट इनको आप ग्रो कर सकते हैं। मैं जल्द ही इसका एक कटिंग वाला वीडियो लेकर आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप इनको कटिंग के थ्रू प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसके थ्रू आप जो प्लांट ग्रो करेंगे वो आपको नेक्स्ट सीजन में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। काफी लोगों की ये शिकायत आती है उनके प्लांट, नींबू के प्लांट में जब वो नर्सरी से लेकर के आए थे उसमें फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें फ्लावरिंग तो होती है या फिर फ्लावरिंग भी नहीं होती है, या फिर अगर फ्लावरिंग होती भी है तो फ्लावरिंग कुछ टाइम के बाद गिर जाती है। तो दो तीन बातों का ख्याल रखना है आपको। एक तो नींबू के प्लांट में एक अंदर एक जाली सी बन जाती है, तो नींबू के प्लांट में हर फ्रूटिंग के बाद उनकी आप एक बार अच्छे से गुड़ाई कर दें साइडों से। गुड़ाई करने के बाद वहां से आप मिट्टी निकाल लें, मिट्टी निकाल करके वहां पे नई मिट्टी डाल दें कंपोस्ट मिक्स करके। दूसरा, उसमें आप जब भी उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा सा पानी आप कम कर दें, एकदम बंद नहीं कर देना है। ग्राउंड में जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें तो आप बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप पॉट में लगाए तो आपको थोड़ा बहुत पानी देना पड़ेगा, नहीं तो प्लांट आपका मर जाएगा। लेकिन नॉर्मल टाइम की अपेक्षा जिस टाइम उसमें फ्लावरिंग हुई हो थोड़ा सा पानी उसमें कम कर दें, तो आपकी फ्रूटिंग जो है हो जाएगी, फ्लावरिंग आपको गिरेगी नहीं बार बार। सहतूत के प्लांट को भी अपने गार्डन में आप कटिंग के थ्रू प्रोपेगेट कर सकते हैं। कटिंग आपके किसी फ्रेंड के यहाँ मिल जाए, नर्सरी में मिल जाए, कहीं भी आपको अगर सहतूत की कटिंग मिल जाती है तो उसकी आप कटिंग लेके आए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे आप कटिंग के थ्रू इनको ग्रो कर सकते हैं, तो उसको भी आप अगर चाहें तो वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से बहुत ही फास्ट ग्रोइंग प्लांट होता है और बहुत ही आसानी के साथ आपको ये आपके पॉट में फ्रूटिंग दे देगा। स्ट्रॉबेरी के प्लांट को भी आप पॉट में लगा सकते हैं। 9 से 12 इंच के आप पॉट ले लें, पॉट में आप जो है नर्सरी से आप चाहें तो रेडी प्लांट ला सकते हैं, या फिर अगर आप सितंबर अक्टूबर में आप इनकी सीडलिंग भी कर सकते हैं, या फिर नर्सरी में इनके रेडी प्लांट भी मिल जाते हैं तो उनको आप लगा करके उसमें काफी अच्छा एक पॉटिंग मीडिया बना करके उसमें आप लगा दें, वहां पे भी आपको फ्रूटिंग देखने को मिल जाएगी काफी अच्छी। ये प्लांट विंटर ग्रोइंग प्लांट होता है, इनको आपको विंटर में ही लगाना होता है, गर्मियों में आप कभी भी इनको लगाने का ट्राई मत करें। फालसे के प्लांट को भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं, इसके आप सीड्स के थ्रू भी इनको आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। शायद काफी लोगों को फालसा के बारे में ना पता हो, ये छोटी छोटी बेरियां होती हैं और थोड़ा सा इनमें खट्टा मीठा स्वाद होता है, इनका शरबत बनाया जाता है, फिर आप इनको ऐसे भी जो है खा सकते हैं। तो ये प्लांट काफी फास्ट ग्रोइंग होता है, इनको आप सीड्स के थ्रू भी प्रोपेगेट करके अपने पॉट में लगा सकते हैं। कटिंग के थ्रू ग्रो हुए प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, आप लोकल नर्सरी में ट्राई करिए, वहां से आपको मिल जाएगा, तो उसे भी अपने पॉट में लगा दीजिए। काफी फास्ट ग्रोइंग होता है, काफी जल्दी इसमें भी आपको फ्रूटिंग देखने को मिल जाएगी। फिग यानी अंजीर के प्लांट को भी आप कटिंग के थ्रू प्रोपेगेट करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी फ्रेंड के पास अगर इसका प्लांट है तो वहां से ला करके आप यहाँ लगा लें, या फिर नर्सरी से भी इनके प्लांट आप परचेज करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। काफी जल्दी ये प्लांट आपके गार्डन में फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगा, काफी ज्यादा नंबर्स में फ्रूटिंग होती है इसमें, तो छोटे से पॉट में भी अगर आप इनको लगाते हैं तो काफी अच्छे अमाउंट में आपको उससे अंजीर खाने को मिल जाएगी। वैसे तो पपीते का प्लांट जो है वो ग्राउंड में ग्रो किया जाता है, लेकिन इसकी एक वैरायटी आती है रेड लेडी करके, वो आप पॉट में उगा सकते हैं, क्योंकि वो प्लांट काफी ज्यादा हाइट में बढ़ता नहीं है, छोटे हाइट पे ही उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो रेड लेडी के प्लांट को भी अपने गार्डन में आप लगभग 15 इंच के पॉट में या फिर उससे थोड़े से बड़े पॉट में अपने गार्डन में आप रेड लेडी पपाया को भी ऐड कर सकते हैं, उससे अच्छी फ्रूटिंग भी ले सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छी नर्सरी है तो वहां से आप बात करके उनसे रेड लेडी पपाया के रेडी प्लांट भी ले सकते हैं, या फिर इनके सीड्स ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, तो वहां से आप अच्छे साइट से जो है परचेज करके, या फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा इनके, वहां से आप परचेज करके रेड लेडी पपाया के सीड के थ्रू इनको ग्रो कर ले। मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ था, आपके साथ शेयर भी किया हुआ था, तो वो सीड्स के थ्रू ग्रो किए हुए प्लांट को आप अपने पॉट में लगा दें, वहां से बड़े आराम से आपको फ्रूटिंग देखने को मिल जाएगी। सलीफा यानी कि कस्टर्ड एप्पल को भी आप अपने पॉट में ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट ग्राउंड में भी बहुत ज्यादा हाइट में बढ़ता नहीं है, लगभग 9-10 फीट के बाद ही इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है ग्राउंड में भी, तो इस प्लांट को आप अपने पॉट में भी अगर लगाते हैं तो वहां पे भी ये प्लांट आपको फ्रूटिंग दे सकता है, बशर्ते आपको इसका एयर लेयरिंग वाला प्लांट या फिर ग्राफ्टेड प्लांट आपको नर्सरी से ले आना होगा, उसे अपने पॉट में लगाना होगा, तो वहां से आप बड़े आराम से फ्रूटिंग पा सकते हैं। बाराबडोस चेरी को भी अपने गार्डन में आप पॉट में लगा सकते हैं और बड़े आराम से आपको नर्सरी में इसके प्लांट मिल जाएंगे और आपको लगभग 1-1.5 साल के बाद उसमें फ्रूटिंग देखने को अपने पॉट में मिल जाएगी। बस आपको इसके प्लांट में एक बात का ख्याल ये रखना है कि इस प्लांट को आप मई जून के महीने में डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट तो मिल जाए लेकिन 10 से 11 बजे के बाद वाली सनलाइट जो है उस पे डायरेक्ट ना पड़े, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट में इसे अगर आप रखेंगे
उसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी और आपका प्लांट भी मर सकता है। तो 12 बड़ोस चेरी को भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके लोकल नर्सरी में इजीली मिल जाता है तो। प्लम यानी कि बेर के प्लांट को भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं, बशर्ते आपको वो प्लांट ग्राफ्टेड हो। अपनी नर्सरी में आप ट्राई कर ले, वहां से अगर आपको ग्राफ्टेड प्लांट बेर का मिल जाता है तो उसे आप अपने 12 इंच 15 इंच के पॉट में लगा दें, वहां से आपको बड़े आराम से फ्रूटिंग देखने को मिल जाएगी। तो आप बेर के प्लांट को भी अपने आप टेरेस पे पॉट में उगा सकते हैं और उनसे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो 15 प्लांट है जिनको आप अपने पॉट में उगा सकते हैं, उनसे फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी सवाल है आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।